आरबीआई की इसी रेपो रेट की बढ़त पर हमने एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन एंड सीईओ के मिस्त्री से बातचीत की। उन्होंने कहा इससे रियल एस्टेट पे कुछ खास बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। As I mentioned earlier, my expectation was about a 75 basis points hike during the course of the year. Now the question is, do you do 25, 25, 25, or you do 40 and then do do the remaining? That is something which remains to be seen. RBI has done 40, so they have front loaded the rate increases. I still believe that in the course of the year, you could see another 35 odd basis points increase in rates. That's my immediate expectation. But all of this, this 35 basis points would come progressively over a period of time. But this is my immediate reaction. Obviously, this is dependent upon a whole lot of data that keeps coming in, how inflation numbers pan out, what happens in other countries, what happens on oil, what happens on this whole Russia-Ukraine crisis. So it's dependent on so many factors. It's difficult to put a lid to it or put a number to it. But I still believe that 75 basis points is what I would expect during the course of the year as things stand today. And out of 75, we've seen 40. So we probably would see another 35 in the course of the year. बिल्कुल। तो ये थे एचडीएफसी के मिस्त्री, जो कि आरबीआई की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद अपना टेक हमें देते हुए। लेकिन दरों में बढ़ोतरी पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो चुकी हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है, आरबीआई के ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं, चलिए पूजा से समझते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत सबसे पहले क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट से करते हैं। उनका कहना है कि एमपीसी स्टेटमेंट का जो फोकस था वो महंगाई के अनुमान पर ही था। मार्च 2022 की महंगाई के आंकड़ों में अनुमान से ज़्यादा बढ़त थी, जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग था। और ब्याज दरों में बढ़ोतरी से शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी पर रोक लगेगी, लेकिन आरबीआई के इस कदम से जो बैंकों की अर्निंग है उस पर इनका न्यूट्रल व्यू है। अब बात करते हैं जेपी मॉर्गन की। तो यहाँ पर पिछली बार की गई 75 बेसिस पॉइंट की कटौती को अब आरबीआई धीरे धीरे वापस लेगा। हमने देखा था कि एक काफ़ी लंबा अंतराल था जिसमें कि कोई भी हाइक या फिर कटौती देखने को नहीं मिली थी, तो उस स्टेप को कहीं ना कहीं अब आरबीआई विड्रॉ कर रहा है। और आने वाले समय में कई आपात बैठक जेपी मॉर्गन के हिसाब से इस तरह की मीटिंग्स देखने को मिल सकती हैं। जून की पॉलिसी में ब्याज दरों में करीब आधा परसेंट की बढ़त का अनुमान और जताया जा रहा है, और जून में सीआरआर में भी करीब 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब आते हैं मॉर्गन स्टैनली पर। उनका व्यू है कि आने वाले समय में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त का अनुमान है। फ्रंट लोडेड दरों में बढ़ोतरी दिखेगी और नेगेटिव रियल एस्टेट की आरबीआई नॉर्मलाइजेशन करना शुरू करेगा। इसके अलावा सीएलएसए ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है उसमें भी उनका कहना है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी तो होनी थी, एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो टाइमिंग आरबीआई ने चूज की वो काफी सरप्राइजिंग थी। नए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही ब्याज दरों में बढ़ोतरी वो देखने का अनुमान कर रहे थे। आने वाले समय में इस तरह की बढ़त और देखने को मिलेगी लिक्विडिटी को काबू में करने के लिए, ये मानना है सीएलएसए का। All right, तो तीन बड़ी रिपोर्ट, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, 0.5% मोर एक्सपेक्ट करना चाहिए जून में, और साथ ही सीएलएसए को लगता है कि बैंक्स के मार्जिन पर प्रेशर पड़ेगा इस मूव से। बहुत बहुत